प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की एक वीडियो, ये वीडियो एक टिप के बारे में है जो कि मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। ये कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयर या इस तरह का कोई मसला नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये जस्ट एक जनरल सा टिप है। मैं इस वक्त छत के ऊपर मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं आज इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है और हम तकरीबन तमाम ही इलाके गर्मी की लपेट में। तो मैं छत के ऊपर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस छत को सफ़ेद किया गया है, साथ मलहे का छत जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर सफ़ेदी नहीं की गई। ये जैसे कि सीमेंट का कलर होता है उसी तरीके से है, नेचुरल उसमें है। यहाँ पे भी वही हालत है, ठीक है जी। तो ये वाला इलाका जो है ये आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हों तो सबसे ऊपर वाली छत, या अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में हों तो आपकी छत धूप को एक्सपोज होती है, इसकी सरफेस पे धूप लगती है तो धूप को जज़ब करती है। जो धूप जज़ब होती है तो वो छत के नीचे आपको आपके कमरे तक पहुंचती है। तो अगर आप जितना भी एयर कंडीशनिंग करें कमरे को एयर कंडीशन करें, या जो है तो कूलर लगाएं उसमें या फ़ैन लगाएं, आपको नीचे गर्मी फील होगी, ठीक है जी। तो इससे बचने का तरीक़ाकार यह है कि छत को जो है तो वाइट किया जाए, इसको सफ़ेद किया जाए। सफ़ेद रंग में यह होगा कि जब रोशनी धूप की इसकी पड़ेगी सूरज की तो वो वापस रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, काफ़ी सारा हिस्सा इसका रिफ़्लेक्ट हो जाएगा, बहुत मामूली सी हीट जो है वो नीचे जज़ब होगी और उसकी मामूली सी गर्मी नीचे पहुंचेगी। तो ये एक टिप है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसका तरीक़ाकार क्या है वाइट करने का, ये पिछले साल किया है हम लोगों ने असल में ये वाला इलाका जो है, तो अभी दोबारा इसको वाइट करने की ज़रूरत है। तो इसको एक दफ़ा फिर हम वाइट कर देंगे ताकि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए, कागज़ की तरह जितना वाइट होगा उतना इसका रिस्पांस अच्छा होगा। वाइट करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका इसमें इस्तेमाल होगा वाइट करने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा पानी चाहिए आपको एक बकेट में, जितनी आपकी छत है उसी मकदार से चाहिए। अब ये आपको देख रहे हैं कि एक बकेट में आधे से ज़्यादा भरी हुई है। ये इसमें मैं जो है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको अनबुझा चूना या जिंदा चूना कहते हैं, वो है। तो मैं वो खोल के दिखाता हूँ, इसमें शामिल करते हैं पानी में। ये इस तरीके का होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये पत्थर नुमा इस तरीके से होता है, पाउडर नहीं होता। पाउडर भी इसके अंदर होता है लेकिन पत्थर की तरह होता है। पाउडर जो होता है वो फिर बुझा हुआ चूना कहलाता है, तो इसलिए आपको जिंदा चूना चाहिए जिसको कैल्शियम कार्बोनेट उसका कीमियाई नाम है, ठीक है जी। अब इसको जो है तो इस पानी में शामिल करते हैं। पानी में शामिल करने का तरीका ये है कि कोई टूल ले लीजिए या दस्ताने आपके हाथ पे हो, डायरेक्ट इसको हाथ ना लगाएं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पानी में शामिल कर लीजिए। और कितना शामिल करना है, ये एक आधी बकेट पानी में जो है तो 4-5 किलो के करीब आप शामिल कर सकते हैं। बहरहाल ये गाढ़ा सा बन जाएगा, बाद में हम इसमें पानी और शामिल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है, अब देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी कुछ निकल रही है, ठीक है जी। ये इसमें शामिल होगा, गर्म होगा ये, तो ये हरारत छोड़ने वाला रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको कहते हैं, उबलेगा, ठीक है जी। हम इसको बंद कर देंगे ऊपर से टॉप इसका और इसको रहने देंगे। एक रात ये पड़ा रहेगा, एक रात के बाद कल सुबह जो है तो मैं इसको अपने छत के ऊपर अप्लाई करूँगा। वो भी मैं आपको फिर बता दूंगा कि किस तरीके से ब्रश से इसको अप्लाई करना है। आम सा तरीका है जैसे कि हम चूना करते हैं घर में, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा उन दोस्तों के लिए जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है उनको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। और मकसद करने का यह है कि छत आपकी सफ़ेद हो जानी चाहिए। सफ़ेद होगी तो धूप इस पर कम पड़ेगी, धूप का असर कम होगा और आपको नीचे जो है तो ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। बहुत सारे दोस्त जो हैं कराची में रहने वाले जो कि जिनकी वीडियोज़ मैं देखता हूँ, हमारे एक दोस्त की, उन्होंने
दिखाया है कि बहुत सारे दोस्तों की छतें जो हैं वो चादर की बनी हुई हैं, टीन वगैरह की, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी। उसके लिए ये है कि आपने इसको कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं करना, बल्कि उनको चाहिए है कि वो उसको एमरी करें पहले, अच्छा सा उसको रगमाल से रगड़ें, उसके बाद फिर जो है तो छत के ऊपर इनेमल पेंट करें सफ़ेद रंग का ऊपर की तरफ, ताकि उसके ऊपर गर्मी रिफ्लेक्ट हो और नीचे ज़्यादा गर्मी ना जाए। तो ये जैसा कि आपके सामने ये तैयार हो रहा है, अब इसको छोड़ेंगे और कल सुबह जो है तो इंशाल्लाह इसको इस छत के ऊपर फैला देंगे, जिस छत के ऊपर ये नहीं लगा हुआ दूसरे वाली के ऊपर। तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर मैं कैमरे पे शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों एक रात गुजरने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इसको पानी मिल गया है, ठीक है जी। और ये क्रीम की तरह है बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक क्रीम की तरह बन गया है, जिसमें पानी कम था इस वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि इसको बहना चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब हम ये करते हैं कि इसको एक छोटा कंटेनर जिसमें पानी मौजूद है, आप देख सकते हैं आधे के करीब भरा हुआ है, इसमें हम इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा इसके करीब कर लेते हैं और फिर किसी चीज़ की मदद से इसको निकाल के इसमें उंडेल लेंगे, ताकि ये एक लिक्विड की शक्ल में आ जाए पेंट की तरह। ये कॉमन बात है, आम बंदे को भी पता होता है, लेकिन बहरहाल मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जिन दोस्तों को इस चीज़ का नहीं इलम उनको भी अच्छे से पता चल जाए और वो भी अपने इस प्रोजेक्ट को अगर करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकें। मकसद तवानाई का बचाओ और ज़िंदगी को आरामदेह बनाना है कि हमारा मुल्क तवानाई के शोबे में ख़ुद कफील हो, कम से कम एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल की जाए, कम से कम बिजली इस्तेमाल करके हम बेहतर नतीज ले सकें, ये मकसद है। और आम ज़िंदगी, आम फ़र्द की ज़िंदगी अच्छी हो ये एक मकसद है इस चीज़ का, इसलिए ये वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि दोस्तों को पसंद आएंगी और इससे कुछ फ़ायदा भी मिलेगा सबको। तो ये इस तरीके से अब बन गया है, आप देख सकते हैं एक अच्छी सी अच्छा सा टेक्सचर इसका बन गया। तो उम्मीद है कि ये अब ले जाके हम इसको वहाँ पे पेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ किसी भी किनारे से हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसको हिलाएंगे इस तरीके से करके, ब्रश इसमें डूब जाए कोई मसला नहीं, ठीक है जी। क्योंकि मकसद सिर्फ यही है कि इस छत को इस तरीके से वाइट किया जाए, और इसमें खूबसूरती का भी कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी ने खूबसूरती नहीं देखनी, बस इतना है कि इसको सफ़ेद कर दिया जाए और ये एक बेहतर वाइट कलर इस छत का बन जाए। तो इस तरीके से करके पूरी छत को एक या दो लेयर में मैं कंप्लीट कर लूँगा और फिर सूखने देंगे, सूख जाएगा तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ये इसका तरीका है। तो फिर दोस्तों मैंने आपको आपके साथ ये शेयर कर दिया है, उम्मीद है कि आप दोस्तों के काम आएगा और इस गर्मी के मौसम में खसूसी तौर पे ये एक अच्छा तरीका आपके लिए साबित होगा, जो दोस्त इससे फ़ायदा उठा लेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।